हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चीज़लिंग बनाएंगे। चाय के साथ अगर कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं। तो ये हमारे टी टाइम स्नैकिंग का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो चलिए आज बनाते हैं चीज़लिंग। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दूध लिया है 3/4 कप। इसे मैदे को गून लेंगे। 2 चीज़ क्यूब प्रोसेस चीज़ लिया है मैंने, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है रूम टेम्परेचर पे। चुटकी भर नमक ले लेंगे और मैदा ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिला के हम इसका डो बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बाउल में मैदा डाल लेंगे, बटर डाल देंगे, नमक, बहुत ही कम नमक का इस्तेमाल करेंगे, और जो चीज़ क्यूब लिया है उन्हें अच्छे से घिस के मिला देंगे। चीज़ क्यूब अगर रूम टेम्परेचर पे हो तो बहुत ही अच्छा है, ताकि ये अच्छे से मैदे में मिल जाए। अब हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये बनने ना लगे, तो बीच बीच में चेक करते रहें। इसे और भी मिलाएंगे। अब ये रेडी है। अब हम यहाँ पे हल्का हल्का सा दूध डाल के इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो हमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। इस तरह से दूध के छींटे मार के हम जो अपना डो है तैयार कर लेंगे, कुछ इस तरह से। हमारा डो कुछ ऐसा है। हमने यहाँ पे सिर्फ 1/2 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने देंगे। 20 मिनट के बाद हम एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, जिसमें हमें इसे फ्राई करना है। अब हम 20 मिनट के बाद डो को 1 से 2 मिनट के लिए और भी अच्छे से मल लेंगे। इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे और एक लेमन साइज डो निकाल लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और अब इसे अच्छे से बेल लेंगे, जितना पतला से पतला हो सके। हल्का सा मैदा हमने इसलिए डस्ट किया है ताकि ये लास्ट में जाके चिपक ना जाए और बोर्ड से आसानी से निकल जाए और इसका शेप भी ख़राब ना हो। तो आप चाहें तो मैदा को डस्ट करना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डस्ट कर दिया तो ये आसानी से निकल जाएंगे। जितना पतला हो सके इसे बेल लेते हैं, कुछ इस तरह से। और अब इसे हम काट लेंगे, अनइवन साइड्स को हटा दें। इसे हमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटना है, ये छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, तो इन्हें छोटा ही काटेंगे। हमने इसे काट लिया है। कढ़ाई में जो तेल था वो गर्म हुआ है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और इसमें इसे फ्राई करने के लिए डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना है, लो टू मीडियम पे ही करेंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा लाल ना हो जाए। और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। इसे बनने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, तो आप कोशिश करें कि इसे चलाते रहें। इसे हमें बहुत ही ज़्यादा लाल नहीं करना है। जैसे ही ये हल्का येलोइश होने लगेगा तो इसे निकाल लेंगे। तो इसे हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही रहेगा हमेशा। ये हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल हल्का येलोइश होगा तभी इसे निकाल के रख लेंगे हम, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा चीज़लिंग बन के तैयार है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और टेस्टी है।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।